क्वेश्चन नंबर थ्री, फाइंड आउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 21 एंड 28। देखिए अभी तक तो हमने कॉमन सबसे पहले फैक्टर फाइंड करे, फिर कॉमन फैक्टर, अब हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। देखिए सबसे पहली स्टेप थी फैक्टर्स ऑफ 21। वन की टेबल में 21, 22 टाइम, थ्री की टेबल में आता है फिर 7 टाइम, 4, 5, 6 में नहीं आ रहा है तो ये टर्न हो जाएगा। ऐसे ही वन की टेबल में 28 टाइम, टू की टेबल में 14 टाइम 28, देखिए फोर की टेबल में 7 टाइम 28, 5 और 6 में नहीं आ रहा, ये टर्न हो गया। फैक्टर्स ऑफ 21, 1, 3, 7, 21, और 28 के फैक्टर्स 1, 2, 4, 7, 14 और 28। अब हम कॉमन फैक्टर्स फाइंड करेंगे। कॉमन फैक्टर्स, वन है दोनों के पास, टू नहीं है, थ्री नहीं है, फोर फिर सेवन है और आगे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा हो जाएगा? सेवन। क्वेश्चन नंबर फोर, फाइंड आउट द हाईएस्ट नंबर विच कैन एग्जैक्टली डिवाइड 45 और 75। देखिए हाईएस्ट नंबर मतलब एचसीएफ फाइंड करना है। फिर से देखिए फैक्टर्स फाइंड करेंगे पहले 45 के और 75 के। थ्री की टेबल में आता है 15 टाइम, फोर में नहीं आएगा, फाइव की टेबल में आएगा 9 टाइम, सिक्स की टेबल में नहीं आता, सिक्स की टेबल में 7 में नहीं आएगा, 8 में नहीं, ये सीधे टर्न हो जाएगा। देखिए 75, वन की टेबल में 75 टाइम, टू की टेबल में नहीं आता, थ्री की टेबल में कितनी बार आएगा ये 25 टाइम, फाइव की टेबल में 15 टाइम, उसके बाद ये आएगा सिक्स की टेबल में नहीं है, सेवन में नहीं आएगा, 8, 9, 10 में नहीं आएगा, 11, 12 में नहीं आएगा, 13, 14 में भी नहीं आएगा, मतलब ये टर्न हो जाएगा। तो 45 के फैक्टर्स और 75 के फैक्टर्स 1, 3, 5, 9, 15, 45 और 75 के 1, 3, 5 फिर 15, 25 और 75। जो नंबर है उस नंबर तक हमें वापस जाना रहता है। देखिए 45 का है तो 45 तक लाए, 75 का है तो 75 तक लाए, सब हम इसके कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने। कॉमन फैक्टर देखिए वन दोनों के पास है, थ्री दोनों के पास है, फाइव दोनों के पास है, नाइन नहीं है, 15 दोनों के पास है, ये सारे कॉमन फैक्टर हैं। अब सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे बड़ा हाईएस्ट कौन सा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों के पास हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा मिल रहा है? 15। ये इसका एचसीएफ हो गया, ये दोनों नंबर को डिवाइड कर सकता है। नंबर फाइव, फाइंड आउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12, 18 एंड 24। देखिए अब हमें थ्री डिजिट, थ्री नंबर्स के फैक्टर्स लिखने हैं, फिर कॉमन फैक्टर लिखने हैं और उसके बाद हाईएस्ट फाइंड करना है। देखिए फैक्टर ऑफ 12 फाइंड करेंगे, वन की टेबल में 12 टाइम, टू की टेबल में 6 टाइम, थ्री की टेबल में 4 टाइम, 3, 4, 12, ये टर्न हो जाएगा। फिर फोर की टेबल में 3 टाइम, सिक्स की टेबल में 2 टाइम और 12 का फैक्टर फाइंड करें, 12 की टेबल में 1 टाइम। देखिए 18 के, वन की टेबल में 18 टाइम, टू की टेबल में 9 टाइम, थ्री की टेबल में 6 टाइम 18, 4, 5 में नहीं आता है तो यहाँ से टर्न हो जाएगा। और अब है हमारा 24,
वन मल्टीप्लाई 24, टू मल्टीप्लाई 12, थ्री मल्टीप्लाई 8, फोर मल्टीप्लाई 6, और 5 में नहीं आता, 6 में आ जाएगी, टर्न हो जाएगा। ये सारे फैक्टर्स फाइंड हो गए। फैक्टर लिख दीजिए 12 के, 18 के और 24 के। 1 2 3 4 6 12, 1 2 3 4 6 12। 18 के लिखिए 1 2 3 6 9, 18। 24 के लिखिए 1 2 3 4 6 8, 12 और 24। देखिए अब कॉमन लाना है हमको। सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स फाइंड करेंगे। कॉमन फैक्टर्स देखिए, तीनों के पास वन है, तीनों के फाइंड करने हैं। वन इसके पास, 12 के पास, 18 के पास और 24। वन कॉमन ले लीजिए, टू भी आ रहा है तीनों के पास, थ्री भी आ रहा है, देखिए। ओके, उसके बाद देखिए क्या आ रहा है। थ्री के बाद फोर नहीं है, इसके पास नहीं है तो कॉमन नहीं आएगा। सिक्स 12 के पास, 18 के पास और 24 के पास। और लास्ट में क्या दिख रहा है हमें, कुछ नया दिख रहा है क्या? देखिए 12 यहाँ है लेकिन यहाँ यहाँ नहीं है, 18 इसके पास है लेकिन यहाँ नहीं है, 24 यहाँ है और इन दोनों के पास। तो हमारा हाईएस्ट, हमारे कॉमन फैक्टर 1 2 3 6 आए, और सबसे बड़ा हाईएस्ट कौन सा आया है? 6। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा आया हमारा? 6, जिसकी टेबल में 12, 18 और 24 तीनों आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड आउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 15, 27 एंड 36। हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अब किसका देखना है? 15 का, 27 और 36 का। देखिए फैक्टर्स ऑफ 15, 27 एंड 36। वन की टेबल में 15 टाइम, थ्री की टेबल में 5 टाइम 15, और 5 की टेबल में 3 टाइम ये टर्न हो गया 27। 1 की टेबल में 27 टाइम, 2 में नहीं आएगा, 3 की टेबल में 9 टाइम, 4 5 6 में नहीं आएगा, 7 8 में भी नहीं, सीधे 9 की टेबल में 3 टाइम। 36, 1 की टेबल में 36 टाइम, 2 की टेबल में 18 टाइम, 3 की टेबल में 12 टाइम, 4 की टेबल में 9 टाइम, 6 की टेबल में 6 टाइम। 36, फिर 9 की टेबल में 4 टाइम, 12 की टेबल में 3 टाइम, ये टर्न हो गया। देखिए फैक्टर्स लिखेंगे हम 15 के, 27 और 36। 1 3 5 15, 27 के 1 3 9 27, और 36 के 1 2 3 4 6 9 12 18 36, ये इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। अब हमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं। देखिए कॉमन फैक्टर, तीनों के पास वन आ रहा है, थ्री तीनों के पास है, और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हाईएस्ट कौन सा आ रहा है इसमें? सबसे बड़ा नंबर थ्री, थ्री इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। क्वेश्चन नंबर 7, टू मिल्क कंटेनर फिल्ड विद 20 लीटर एंड 30 लीटर ऑफ मिल्क रेस्पेक्टिवली। देखिए दो मिल्क कंटेनर बर्तनों में, दूध के बर्तन में, एक में दूध 20 लीटर आ रहा, अगले में 30 लीटर। व्हाट विल द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट मीन्स हाईएस्ट पूछ रहा है, हाईएस्ट ग्रेटेस्ट एक ही चीज़ है। मेजरमेंट ऑफ कंटेनर दैट कैन मेजर टोटल मिल्क ऑफ बोथ कंटेनर एग्जैक्टली, इन दोनों में एग्जैक्टली कितना मिल्क आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम क्या फाइंड करेंगे? ग्रेटेस्ट मेजरमेंट, इट मीन्स एच सी एफ फाइंड करेंगे। देखिए फैक्टर्स ऑफ 20, फैक्टर्स ऑफ 30। वन की टेबल में 20, 20 टाइम, टू की टेबल में 10 टाइम, थ्री और फोर में नहीं आएगा, फाइव की टेबल में 2 टाइम, फिर 6 7 8 में नहीं आएगा,
नाइन में नहीं, ये सीधे टर्न हो जाएगा, यहाँ कर दीजिए, फोर के टेबल में इसे कट कर दीजिए, टू के बाद थ्री में नहीं है, फोर की टेबल में फाइव टाइम आएगा 20, और फाइव की टेबल में टू टाइम, फाइव की टेबल में फोर टाइम, तो ये टर्न हो रहा है, देखिए ये टर्न हो रहा है। 30 के लिखिए, टू की टेबल में 15 टाइम 30, थ्री की टेबल में 10 टाइम 30, फोर में नहीं आएगा, फाइव की टेबल में 6 टाइम 30, और ये टर्न हो जाएगा। फैक्टर्स लिखिए 20 के और 30 के, 1, 2, 4, 5, 10 और 20। 30 के लिखिए, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30। देखिए इसके कॉमन फैक्टर्स फाइंड कीजिए, 1 दोनों के पास है, 2 दोनों के पास है, 5 दोनों के पास है और 10 दोनों के पास है। हाईएस्ट कौन सा आ रहा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 10।